तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेन ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी के बारे में जो EMA बेस्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो पहले इसको बैक टेस्टिंग कर लें और अपने फाइनेंस एडवाइजर से बात कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए आप इंडिकेटर पर जाएंगे और मूविंग एवरेज सर्च करेंगे। मूविंग एवरेज सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके उसकी सेटिंग को रखना है 9, 15 और 20। हम तीन मूविंग एवरेज लगाएंगे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। तो तीनों को लगाने के बाद हम ग्रीन कर लेंगे 9 का, रेड कर लेंगे 15 का और ब्लू कर लेंगे 20 का। ये तीनों का कलर चेंज कर लेंगे और फिर जब भी ये 9, 15 और 20 ऊपर 9 होगा, फिर 15 होगा और फिर 20 होगा। जैसे ये तीनों क्रॉस करके ऊपर की तरफ दिखाई दे तो हमें कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो जब ये क्रॉस करेगा तो ऐसे नहीं कि ऐसे क्रॉस करके फिर ये वापस इस तरह से चल रहा है तब हम बाय नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा समय देंगे। जब भी क्रॉस हो और ऐसे कि थोड़ा लंबा क्रॉस हो के ये लगभग इतना खुल जाए, इतना ओपन हो जाए और हमें लगे कि ये ज़रूर ये ऊपर की तरफ इसका मुंह हो रखा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम हम सी को बाय करेंगे। और ऐसे ही अगर ये तीनों नीचे की तरफ है, पहले 9 फिर 15 और फिर 20, अगर ये तीनों इस तरह से है और इसी तरह से ओपन हुआ है इसका मुंह नीचे की तरफ, तो हम पी को बाय करेंगे। तो इसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये लगभग बाउंड रेंज हुआ था, रेंज बाउंड की तरफ, फिर ये जैसे ही इसने क्रॉस किया तो सबसे पहले 9 था, फिर 15 था, फिर 20 था और इस कैंडल पे ये क्रॉस हुआ था। तो इस कैंडल पे ये क्रॉस हुआ था और फिर इस तरह से जैसे ओपन हुआ तो हम यहाँ पे सी की एंट्री बना लेंगे और ये देखो हमारा टारगेट हमको अचीव हो गया। तो इसके लिए टारगेट को क्या रखेंगे कि इसमें टारगेट को जितना ट्रेल हो सके उतना ट्रेल करके चलना है, पॉइंटों में ट्रेल करना है। भाई आपको जैसे मतलब 5 पॉइंट का असर रखना है तो 5 पॉइंट, या फिर 10 पॉइंट का असर रखना है तो 10 पॉइंट के हिसाब से इसको ट्रेल करते जाएंगे। और ये छोटे मूवमेंट के लिए नहीं, ये बड़े मूवमेंट के लिए होगा और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये रेंज बाउंड हुआ था और यहाँ पे ऐसा एक पैटर्न भी बना था, जो कहते हैं फ्लैग पैटर्न या असेंडिंग पैटर्न, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे इसने रिटेस्ट भी किया था। रिटेस्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये 9 है, ये 15 है और ये 20 है। ये जैसे ही इसने ओपन किया और ये देखो यहाँ पे ये तीनों थोड़ा सा स्पेस देके और नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो यहाँ पे हम पी बाय करेंगे और ये देखो नीचे कितना हमें मूवमेंट मिल गया। और अगर हम बात करें कि अगर ये नीचे की तरफ है और इनको निकालना कहाँ है, तो हम यहाँ पे यहाँ से चलेंगे एसएल ट्रेल करते हुए, फिर मान लो ये यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो हमारा एसएल आसपास यहाँ पे रहेगा पॉइंटों के हिसाब से, और फिर ये वापस नीचे आएगा। और मान लो अगर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा मान लो एसएल हिट हो गया तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। और देखो यहाँ से इतना हमारे को ये मिल गया है मूवमेंट। तो ये तो हो गई पी की बात। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने सी का दिखा रखा है, ये देखो यहाँ पे इसने यहाँ पहले यहाँ पे इसने क्रॉस किया, फिर ये थोड़ा सा ओपन हुआ था, हम यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं और असल हमको पता है कि ट्रेल करके चलना है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मूवमेंट लेके भी इसको निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसने वापस क्रॉस किया और ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये 9 हो गई, ये 15 हो गई और ये 20 हो गई। और इसने ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस देके ऊपर की तरफ मुंह किया और हमने एक सी की बाय एंट्री बना ली। और ये देखो कितना अच्छा हमको यहाँ से यहाँ तक के लिए मूवमेंट मिल गया। तो इस तरह से इस स्ट्रेटेजी को हम यूज लेंगे। और ये देखो यहाँ पे इस टाइम पे
ये रेंज बाउंड था मार्केट। पहले ही बता दूं कि ये रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करेगा। ये जब यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेगा और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे मार्केट, उस टाइम हम इसको काम में लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप पहले इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे पीछे, देखो ये आगे भी देखे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे किया है और ये यहाँ पे इसने रेंज बाउंड बनाया है। अगर स्केल्पिंग करते हैं तो थोड़ी स्केल्पिंग भी कर सकते हैं, पर इसके लिए पहले हमको इस स्ट्रेटेजी पे एक कमांड बना लेनी है उसके बाद ही। और ये देखो यहाँ पे इसने एक लिया है, नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है। और आगे हम बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे स्केल्पिंग हम कर सकते हैं, लेकिन तब जब हमको इस पर कमांड हासिल हो जाए। और ये देखो यहाँ पे इसने कितना बड़ा मूवमेंट दिया है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कितना बड़ा मूवमेंट हो गया ये। तो इसकी आप बैक टेस्टिंग करेंगे और बैक टेस्टिंग करने के बाद ही इसको आप यूज में लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।